हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट व्लॉग जैसे कि आपने देखा था कि हम लोग आए थे घर, और घर से अभी जाएंगे पूजा करने के लिए हम लोग। तो ये पूजा ना किस लिए कर रहे हैं, मतलब ये पूजा मनीषा का पूजा है। जब मनीषा छोटी थी ना, तो उसी का जो है सासू माँ कुछ मन्नत वगैरह की थी, तो उसी का मतलब इतना दिनों बाद हम लोग ये पूजा कर पा रहे हैं। तो अभी जाना है, एक मंदिर है यहीं पे, हमारे ज़्यादा दूर नहीं है, सामने में ही। पूजा वगैरह करके प्रसादी चढ़ा के जो है अभी हम लोग, मतलब मैं सासू माँ सब देखते हैं कौन कौन जाता है, तो अभी वहीं पे जाना है। और यहाँ पे डुगडू है, डुगडू खा रहा है पास्ता। पास्ता मैं बना दी थी इन लोग को, ये और गोलू खाया है बस, मनीषा मैं और ये जो है कुछ भी नहीं खाए हैं। तो यही है, और यहाँ पे मनीषा है। तो ये देखिए, ये वाला शरारा जो है पहन ली ये वाला शरारा ना, मतलब सब ठीक है, बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया। और वो क्या हुआ ना, मेरा जो है मतलब वो तो मैं थोड़ा सा मोटी हो गई ना अभी, तो मेरा आता ही नहीं है ये, मतलब पहले के जितने भी मेरे शरारा सेट वगैरह थे 2 साल पहले के, तो मेरे एक भी शरारा मतलब आते नहीं, बहुत अच्छे अच्छे मतलब नए, बिल्कुल नए हैं, तो मेरे आते नहीं, इसलिए रखे हुए हैं वो सब। तो मनीषा कभी कभी जो है पहनती है पूजा वगैरह में, नहीं तो ये अपने कपड़े ही पहनती है। तो ये है, चलिए अभी हम लोग जाएंगे पूजा करने के लिए, उसके बाद। तो अभी जो है एक ही बार डायरेक्ट मंदिर में मिल रही हूँ। तो अभी हम लोग मंदिर पहुँच गए थे, मैं सासू माँ और ये और मनीषा आए थे। तो मनीषा का यहाँ पे ये था मन्नत, तो मनीषा आई है और डुगू गोलू को जो है नहीं लाए, बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा एकदम जैसे लू चलता है ना, वो चल रहा था। तो बस अभी हम लोग आ गए, यहाँ से पैर हाथ धो लेते हैं, और इसी के नीचे नदी भी है, तो अभी हम लोग नदी में नहीं गए, यहीं चपाकल में जो है पैर हाथ धो लेते हैं। और यहाँ पे अभी बहुत अच्छा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूजा हो रहा था, और अभी बस पैर हाथ धो लेते हैं, उसके बाद अभी जाते हैं। तो अभी ना हम लोग जो है मंदिर में पहुँच गए हैं, और यहाँ से पैर हाथ भी धो लिए हैं, और अभी उधर जो है मंदिर है जहाँ पूजा होगा, तो वहीं पर भी हम लोग जाएंगे। और अभी चप्पल ही खोल, और अभी ना चप्पल जो है नहीं पहने, बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है नीचे, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल आपके जैसा। आ जा हम लोग आ जा बहुत ज़्यादा गर्म नीचे, जमीन पे बहुत ज़्यादा गर्म। तो मैं ना फर्स्ट टाइम आई हूँ इस मंदिर पे तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर में जहाँ पूजा होगा। तो ये देखिए यहाँ प्रसादी वगैरह भी ले लिए हैं, और तो यहाँ पे अभी वो देखिए बहुत वो आगे से जो है हम लोग आ रहे हैं, और पूरा चारों तरफ ना अभी जंगली है, अभी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अभी हमारा पूजा हो रहा था, और इधर जो है हनुमान जी का भी मंदिर था, यहाँ पे शिव जी का मंदिर था, और ऊपर में भी मंदिर था। तो सारी जगह भी पूजा कर लेते हैं, यहाँ पे अभी लास्ट में यहाँ पे भी पूजा कर लेते हैं। और ये हाथी है, और यहाँ पे खट्टा जो हुए हैं ना, ये मिट्टी के छोटे छोटे हाथी है। तो यहाँ के बारे में ना मुझे पूरा डिटेल में नहीं पता है, तो सासू माँ भी जैसे जैसे बता रहे थे वैसे वैसे अभी हम लोग पूजा कर रहे थे, और पंडित जी भी यहाँ पे थे, तो वो भी पूजा जो है अभी करवा रहे थे। तो बस अभी पूजा वगैरह करके एक ही बार जो है मैं घर में मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी ना शाम का टाइम हो रहा है, और अभी हम लोग मंदिर की तरफ से आए हैं पूजा वगैरह करके, उसके बाद जो है कुछ भी मैं वीडियो वगैरह मैं नहीं शूट कर पाई। तो उधर से पूजा करके आने के बाद फिर मैं खाना वगैरह बनाने लग गई, वहाँ पे घर में बन रहा था, और इतना ज़्यादा गर्मी ना, इतना ज़्यादा मतलब हमारा जो वहाँ पे गली है ना, गली में ज़रा सा ना हवा और पंखा चलता है ना, एकदम गर्म हवा, कहीं भी राहत नहीं मिलता है, ना वहाँ राहत मिलता है ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी। और अभी हम लोग आ गए हैं इधर फार्म के तरफ घूमने के लिए, तो ये हमारा फार्म है, और अभी जो नए चूजे हैं, अब मुर्गी के जो बच्चे चूजे बोलते हैं उसको, वो अभी आया नहीं है। फार्म का सफाई वगैरह हमने कर लिया था 8 दिन, मतलब 8 दिन हो गया है, 8-10 दिन फार्म की सफाई हुए। और ये सब भूसा है, ये भूसा है, भूसा जो लकड़ी का वो होता है ना, लकड़ी का भूसा, तो
ये भूसा है, और ये कल जो चूजे आएंगे ना तो उसके लिए फिर ब्लूडिंग के लिए सारे उसमें वो लकड़ी का बुरादा डालना है, फिर पेपर बिछाना है। तो कल बहुत सारा फार्म में जो है काम रहेगा, तो आज हम लोग का पूजा वगैरह और खाना पीना में ही टाइम वेस्ट हो गया। और यहाँ पे ये देखिए सारे डिब्बे जो है उठे उठे हैं, और ये सारे डिब्बे ना और ऊपर उठाना पड़ेगा। और जो चूजे छोटे छोटे रहते हैं ना, उस 15 दिन तक छोटे छोटे डिब्बे उनके लिए अलग होते हैं, तो वो अलग लगाए हैं। और ये बड़े बड़े जब हो जाते हैं ना 15 दिन के बाद ये सारे बड़े बड़े डिब्बे ड्रिंकर फीडर ये लगाना पड़ता है। तो ये है। और आज ना मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और उधर बिल्कुल भी हवा वगैरह नहीं लग रहा था, उससे अच्छा ना इधर हवा चल रहा है। यहाँ पे पंखे के पास बैठ रहे हैं तो इसमें गर्म हवा जो है फेंक ही नहीं रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे क्या होता है ना, कल ना हमारे फार्म के अंदर जो है एक सांप आ गया था, खतरा वाला सांप। और हमारे यहाँ पे ये देखिए, ये एक मुर्गी जो है ना, ये मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से, तो सारे जो मुर्गी थे ना वो चले गए थे। और ये देखिए एक मुर्गी जो है हमने ये रख लिया था, तो सासू माँ अभी इसको रखती है, बड़ा कर रही है। और अभी आप देख सकते हो ये, मतलब ये बहुत बड़ा हो गया है, लगभग 2.5 kg हो जाएगा। तो ये दाना वगैरह खा के जो है रह लेता है, तो यही है। और कुछ इस तरीके से फार्म है, पूरा फार्म झाड़ू लगा लो। और यहाँ पे ना ससुर जी सब सोते हैं, पंखे के पास अच्छा हवा लगता है, तो घर से अच्छा तो यहाँ पे राहत मिल रहा है। और कहाँ पे झाड़ू लगाना है दादी, कहाँ बोली झाड़ू लगाने के लिए? बाहर? बाहर नहीं, अंदर। ठीक है, अभी लगा देते। तो ये है। और अभी नहीं, कल जाएंगे घर। कल भी शायद नहीं जाना होगा, क्योंकि कल आएंगे चूजे सब, तो कल आएंगे वो बच्चे सब। तो फिर कल बहुत सारा काम है, टंकी की सफाई करनी है। 2 टंकी लगा हुआ है यहाँ पे, एक तो अंदर लगा हुआ है वहाँ पर लगा हुआ है, और एक बाहर। तो दोनों टंकी सफाई करना है। और फिर इस बार हमारा जो मुर्गी बिका ना, तो इतना कुछ खास मतलब हमें मतलब फ़ायदा नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम हमने सोचा था कि फर्स्ट टाइम है तो कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो फिर उतना कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। और पता नहीं, अभी देखिए फिर अभी क्या होता है। और बहुत टाइम लग जाता है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा है, और मेहनत का अगर पूरा फल नहीं मिलता है ना तो अच्छा नहीं लगता है, मतलब घाटा हो जाता है ना। तो बिजनेस में तो घाटा चलते रहता है, पर हम लोग का पता नहीं, हम लोग का किस्मत में क्या लिखा है, घाटे पर घाटे। कोई भी चीज़, कोई भी काम शुरू करने जाते हैं ना, कोई भी, मैं अपना काम देखती हूँ, मेरा यूट्यूब, तो फिर यूट्यूब चैनल तो मेरा अभी चल ही नहीं रहा है बिल्कुल ना के बराबर। और हस्बैंड जो है बिजनेस स्टार्ट किए, तो वो भी उसमें जो है लॉस जा रहा है। और कोई भी मतलब कुछ भी काम करने जाते हैं तो वो काम जो है बिगड़ ही जाता है। हम लोग के साथ ना ये साल 2023 चल रहा है, ये अभी तक कुछ अच्छा काम जो है हमने मतलब हमारे साथ हुआ ही नहीं है। तो पता नहीं अभी ये साल पूरा बचा हुआ है और कुछ अच्छा लिखा है कि नहीं हम लोग की किस्मत में, पता नहीं, सब ऊपर वाला जाने। और बस यही चल रहा है। तो अभी ना मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, और यहाँ का व्यू अभी आप देख सकते हैं खेतों का। तो अभी मैं फार्म के पास बैठी हूँ, मैं दातुन कर रही हूँ, और अभी जाऊँगी दातुन करके नहाने। अभी फार्म में ना कोई नहीं है, तो अभी मैं हूँ। तो यहाँ पे ना एक झने को एनी टाइम रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सामान वगैरह है। और यहाँ पे सामने रोड भी है, तो लोग आते जाते रहते हैं, तो डर भी रहता है चोरी वगैरह का। तो इसीलिए ना यहाँ पे एनी टाइम कोई ना कोई रहता ही है। तो अभी सभी लोग गए हैं घर, तो मैं यहाँ पे बैठ के दातुन कर रही हूँ, उसके बाद मैं भी जाऊँगी। फिर मैं जाके ना फिर नहाऊँगी और खाना वगैरह बनाऊँगी। और फार्म में ना आज बहुत सारा काम है, बहुत सारा। तो वो काम जो है क्या क्या होता है मैं आप सबको दिखाऊँगी। आज जो है वो हमारे यहाँ पे चूजे आने वाले हैं, मुर्गी के बच्चे, तो वो आएंगे। और फिर काम इसलिए बहुत सारा है। तो चलिए अभी देखते हैं, कोई आता है तो फिर मैं जाती हूँ।
वैसे तो गेट लगा हुआ है, उधर भी गेट लगा है, इधर भी यहाँ पे भी गेट लगा है, दो गेट लगा है, पर ये इधर जो गेट लगा है ना ये थोड़ा सा मतलब कमजोरी वाला है, तो कोई चाहे तो तोड़ भी सकता है। ये बात है। और मैं कर लेती हूँ अभी दातुन, नीम दातुन। मैं जब भी आती हूँ ना घर तो नीम के दातुन से जो है मैं मुँह धोती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, इससे ना एकदम मुँह फ्रेश हो जाता है, मतलब अच्छा लगता है। ये देखिए इसका छिलका मैं निकाल ली हूँ, इस तरीके का छिलका, और इसके बाद मैं कर रही, थोड़ा सा तीता लगता है पर मुँह धोने के बाद अच्छा लगता है।